नमस्कार प्रियजनों, सर्वविदित है हमारे बीच में श्री स्वर्गीय रतन टाटा जी। अब नहीं है, उनका देर रात स्वर्गवास हो गया। सुबह से हम लोग सोशल मीडिया पर उनको देख पा रहे हैं, और पूरे विश्व भर के जो भी बहुत बड़ी हस्तियां हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। कह सकते हैं एक रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर। लोग कुछ करते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है कि उसको हम लोग लोगों तक दिखाएं कि हमने ये अच्छा काम किया है। लेकिन आज स्क्रीन पे हम लोग जिसको देख रहे हैं, इनसे सीख सकते हैं कि बस कर्म करो और उसका कोई भी दिखावापन नहीं करना है। मतलब मैं समझता हूँ आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण है, ये बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं हम सभी को। जबकि ये सही समय है एक सही आइडियल को समझने का, उनको फॉलो करने का। तो मैं चाहूंगा कि पूरे युवा जो है वो सर के पूरे लाइफ स्टाइल को पढ़ें, उन्हें सुने, जितना हो सके उन्हें जाने और इनको फॉलो करें। अब मुझे लगता है कभी इन्होंने स्टेज पे आके कभी कहा नहीं होगा कि हाँ मुझे फॉलो करो। और सही मायने में देखूं तो इनके बहुत कम स्पीचेस मिले, मिले तो बहुत दमदार मिले, बहुत कम इनके कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी एक्टिविटी मिली जहाँ पे शो ऑफ जैसा कुछ नजर आ रहा है। मतलब एक्चुअली इन्होंने किया, मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ मैं आके इन बीच में सारी बातें बता सकूँ आपके बीच में। लेकिन आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, नॉट ओनली इन इंडिया, जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं, हम लोगों के बीच में जो बहुत बड़े कंट्रीज हैं, उनके यहाँ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट डाले हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। सर से जुड़ी हुई इतनी घटनाएं हैं, पूछो मत। मतलब सुई से लेकर जहाज तक ऐसे लिखे हुए पोस्ट आ रहे हैं कि इन्होंने क्या नहीं दिया इस देश को। और आप भरोसा नहीं करोगे, एक ऐसे समुदाय से आते हैं, एक ऐसे धर्म से आते हैं, मुझे लग रहा है आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ लोग नहीं जान पाए। मतलब बेसिकली होता है ना कि अपने धर्म को लेके भी उतना उस तरीके से इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की है कि लोग ये समझें कि हाँ इनको थोड़ा भी भिड़ा के फौस देखना है। नहीं, मतलब इंडिया में आज एक ऐसे पर्सन का देहांत हुआ है, एक ऐसा इंसान हमारे बीच में अब नहीं है जिनके लिए कोई हेट ही नहीं है, जिनको हर धर्म के लोग पसंद करते हैं, हर गरीब अमीर हर कोई, रिक्शा वाला भी जानता है टाटा जी चले गए टाटा, मतलब कौन नहीं जानता है। तो मतलब आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन इन्होंने जो एक मिसाल कायम किया है, इन्होंने जो चीजें की हैं हमारे इस देश के लिए की हैं, इस पूरे विश्व में भी ऐसी चीजें की हैं। स्टील नहीं दिए होते तो इतना सारा जो आर्किटेक्चर है वो खड़ा ही नहीं हो पाता। 5 स्टार होटल्स दिए, मतलब गरीब से लेके अमीर लोगों तक के लिए इन्होंने चीजें दिया। पहला सॉफ्टवेयर दिया, मतलब मैं समझता हूँ कि पूरा स्क्रीन भर जाएगा इनके बस वो कंपनीज के नाम लिखने में। इतने सारे इनके कंपनीज हैं, इतने सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। कोविड के टाइम का इनका एक बहुत बड़ा योगदान जो हम लोग बीच में आया, लगभग इन्होंने 1500 करोड़ रुपए बस पीएम फंड में डाल दिए कि हाँ लोगों का भला करिए, आप गवर्नमेंट की तरफ से करा रहे। और अपने लेवल पे इतना इन्होंने पहले से ही कर रखा है कि अगर ये बस अपना अकाउंट भरते, यानी बस अपने लिए सोचते, अपने समुदाय पर्टिकुलर लोगों के लिए सोचते, तो भी मैं श्योर हूं कि ये पूरे टॉप लिस्ट में हमेशा होते, हमेशा रिचेस्ट पर्सन होते, इंडिया में हो सकता है, एशिया में हो सकता है, पूरे वर्ल्ड। लेकिन हमें इन्होंने पैसे को प्रायोरिटी नहीं दिया, हमेशा इंसानियत को प्रायोरिटी दिया। और हमेशा, और एक और फैक्ट भी है, सर ने कभी शादी नहीं की, इनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन कई सारे इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि इससे मैं फ्री महसूस करता हूं और जो मेरे लिए लगता है कुछ करने की योग्य है इस समाज के लिए, मैं उसमें पूरा का पूरा अपना एक योगदान दे पाता हूँ। मतलब समझ रहे हो, इन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन भी सही मायने में बस इंसानियत के नाम दे दिया, इस देश के नाम दे दिया। लोग कई 100 साल पहले हमारे देश में आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। अगर इनका समुदाय भी हमारे देश में आया किसी समय में, तो इन्होंने बस भारतीय नाम को नहीं लिया, इन्होंने पूरे भारतीयता को ले लिया कि नहीं ये अब देश हमारा है और इस देश के लिए कुछ करना है। तो इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच में नहीं है, ये हमारे पूरे देश का बहुत बड़ा क्षति है। और बेसिकली मैं चाहूंगा कि जो युवा है
क्योंकि आज हमारा देश सबसे ज्यादा यंगेस्ट एज का देश है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। और ऐसे में युवाओं को एक सही आइडियल ढूंढना था और वो हमारे आज बीच में नहीं रहे, लेकिन इनके जो विचार हैं, इनके जो भी सद्भाव है, जो इनके कर्म है, वो सड़के कभी नहीं खत्म होने वाले हमारे बीच से। मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको जितना ज्यादा हो सके पढ़ें। और अभी तो बेसिकली ये जमाना भी है कि स्टार्टअप वगैरह चल रहा है, लोग खुद से अपना बिजनेस बना रहे हैं, तो बड़ा भला सर से बड़ा कौन ही मिलेगा हमें जिसके आइडियोलॉजी को हम फॉलो करके एक बढ़िया बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, चैरिटी कर रहे हैं भी, अपने पूरे अर्निंग का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो बस चैरिटी में डाल रहे हैं, ये भी सीखने योग्य है। और मैं समझता हूं कि एक अच्छे समाज को बनाने के लिए किसी तरह के आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। तो पाठशाला की पूरी टीम, पूरे छात्रों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे देश की तरफ से सर को विनम्र श्रद्धांजलि, सर की आत्मा को शांति मिले। और सर को हम लोग बहुत याद रखेंगे, बहुत याद करेंगे हमेशा, और हमेशा के लिए जीवंत हैं सर। और मैं चाहूंगा कि प्लीज युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, तो युवाओं को कुछ ऐसा करना चाहिए सर से सीख लेके, कि सर अगर कहीं से देख रहे हो हमें तो इन्हें हमेशा गर्व महसूस हो कि ये इस पृथ्वी पे अगर कुछ करके गए हैं तो उसके पीछे एक बहुत लंबी कतार बना के गए जिन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को इस पूरे आने वाले समय के लिए, एक स्वर्णिम भविष्य बनाने का मौका है, अभी से आप लोग लग जाओ। और आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से सर के लिए आप सभी लोग अच्छी लाइनें जरूर लिखना, जो भी आपको समझ में आ रहा है अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दीजिए। और सही अर्थों में अगर आप सर के जो विचार हैं उसको आप थोड़ा फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, समझते हो, तो वो एक सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। हर हर महादेव, ओम शांति।